दोस्तों आज हम एक एम्पलीफायर बनाएंगे जो कि बिल्कुल सस्ते से सस्ता होगा। और काफ़ी सारे भाई लोग एम्पलीफायर को परचेस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये एम्पलीफायर बना रहा हूँ और ये आपको बिल्कुल कम प्राइस में देखने के लिए मिलेगा। 1 6883 IC है जो आपको पुरानी DTH रिसीवर में मिल जाएगी आसानी से। यदि आपके पास DTH भी नहीं है तो आप इसे ऑफलाइन मार्केट से 50 से 60 रुपये की प्राइस में ऑफलाइन ख़रीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें एक स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी जो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लगभग 8 ओम्स का आप स्पीकर इसमें लगा सकते हैं। और एक ऑक्स केबल नहीं है तो आप पुराने एयरफोन से उसकी लीड को काट लीजिए और उसमें भी आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। और इसे चलाने के लिए हमें एक 12 वोल्ट चार्जर लेंगे एडेप्टर। तो इसको बनाना दोस्तों बहुत ही सिंपल है, चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस 6883 बोर्ड में इसकी लेग यहाँ से गिनी जाती हैं, ये इसकी फर्स्ट लेग है। आप इसको सीधा करेंगे तो आप इसको देखें, यहाँ पे IC सीधी है और इसकी कोडिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये इसकी कोडिंग है। और तो इसकी ये पिन फर्स्ट वाली एक नंबर पिन है, तो सेकंड नंबर पिन पे हमारा स्पीकर कनेक्ट होगा। और जो 5th नंबर की पिन होगी हमारी ये वाली, इस पे दोस्तों हमें ऑडियो को इनपुट कराना है। जहाँ हम इसे ऑडियो देंगे वहाँ पे हमें 5th नंबर पिन पे एक इनपुट कराना है। और आप चलेंगे तो 6 और 9 नंबर की पिन ग्राउंड की है, जो हमारा माइनस वाला पॉइंट होता है। और यहाँ पे जो 12 नंबर की पिन है वो हमारे कैपेसिटर पर जुड़ी हुई है प्लस वाले पॉइंट पर। ये यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट है, प्लस और माइनस ये हो जाएंगे। मतलब कि ये 9 नंबर की पिन से आई है, ये हमारा माइनस है, और ये 12 नंबर की पिन हमारी प्लस है। तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट देना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्पीकर के कनेक्शन कर लेते हैं। ये स्पीकर है, तो स्पीकर का आप यहाँ पे देखें, इसको आप ट्रैक करेंगे 2 नंबर की पिन को। ये 2 नंबर की पिन है, इसे आप ट्रैक करेंगे। ये यहाँ से यहाँ 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 तक आ गई। यहाँ आप देखेंगे कैपेसिटर लगा है प्लस वाले पॉइंट पे, ये इसका पॉइंट कनेक्ट है। 2 नंबर पिन प्लस वाले पॉइंट पे कनेक्ट है और इसका माइनस वाला पॉइंट खाली है। कैपेसिटर का जो है माइनस वाला पॉइंट खाली है, तो उस खाली वाले पॉइंट पे हमें स्पीकर का एक पॉइंट कनेक्ट कर देना है। बिल्कुल लाइव दोस्तों, ये। और जो इसका दूसरा वाला पॉइंट है वो हमें ग्राउंड करना है। ग्राउंड आप 6 और 9 नंबर की पिन पे कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो ग्राउंड आया है आप इसे देखें, यहाँ पे ट्रैक करेंगे तो यहाँ तक हमें ग्राउंड मिल रहा है। इस पे हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे स्पीकर के कनेक्शन हो गए हैं। आपको समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर दें। और जो भी भाई लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम ऑक्स के कनेक्शन करेंगे। तो ऑक्स के कनेक्शन दोस्तों आप 5वीं नंबर पिन को ट्रैक करेंगे। इसको यदि आप एक बार इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, बिल्कुल गारंटी देता हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे इसकी 5वीं नंबर की पिन पे एक PF लगा हुआ है, 104 का जो PF लगा हुआ है। इस वाले PF में एक यहाँ पे एक और PF लगा हुआ है। ये 2 PF इसमें लगे हुए हैं, यहाँ पर देखें आप 2 PF यहाँ पर लगे हुए हैं। इस PF के साइड में एक हमें रेजिस्टेंस लगा मिल जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक PF, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक PF और इस वाले पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस है और इसी जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसी पर हमें ये रेड वाला वायर कनेक्ट करना है। लेफ़्ट राइट वाला सिग्नल होता है ना, जो आप चाहे लेफ़्ट का करें चाहे राइट का करें उससे कोई दिक्कत नहीं। और इसमें आप डायरेक्ट नहीं, इस पर नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और जो ग्राउंड वाला पॉइंट हमारा वो ग्राउंड पर कनेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर हमारी 6 नंबर की पिन आई हुई है ग्राउंड वाली, तो यहाँ पर हम ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे।
अब हमने यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इसमें 12 वोल्ट और देना है, तो 12 वोल्ट आप डायरेक्ट माइनस के कैपेसिटर के माइनस प्लस पे देंगे। यदि आपके पास कैपेसिटर नहीं है तो आप किस नंबर पे, जो 9 नंबर की पिन है और जो 12वीं नंबर की पिन है, 12वीं नंबर की पिन प्लस वाली है और 9 की माइनस वाली। तो एडेप्टर है हमारे पास, यहाँ पे हम माइनस वाले को माइनस पे ये और ये वाला पॉइंट प्लस का है, तो हम प्लस वाला पॉइंट प्लस में दे देंगे। ये अब दोस्तों इसके कनेक्शन हो गए हैं। चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल को मैं ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको पूरा सेक्शन दिख जाए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब हम इसको 220 वोल्ट एसी में कनेक्ट कर रहे हैं। ये मैंने इस चार्जर को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आपको जो ये मिल रही है, नॉइस मिल रही है, इसको आप जब इसमें कनेक्ट कर देंगे तो आपकी नॉइस बंद हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। और आप इसकी आवाज़ देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है। आप इसमें बड़ा भी साउंड लगा सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।